बड़ी बात कही गई। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, जिनकी तरफ से यह बड़ा ऐलान हो चुका है उन तमाम युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, शिक्षक के तौर पर आप पदस्थ हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जिनके लिए खुद सरकार भी काम करने के लिए तैयार। 50-50 हाई स्कूल और हाई स्कूल खोले जाएंगे, हाई सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे, 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी बिना किसी लेट लतीफी के, एक साल में जो प्रक्रिया है पूरी कर ली जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से दावा किया गया कि आत्मानंद स्कूल जो भ्रष्टाचार करने के लिए ही बनाए गए उनसे उबरना है, लेकिन एक नई योजना के साथ आगे आ रहे हैं। तमाम ऐसे स्कूल्स जो सरकारी हैं और बहुत निचले स्तर पर हैं, जहां गरीब लोगों को लाभ मिल सके, आत्मानंद स्कूल की जगह सीधे इंग्लिश मीडियम स्कूल में गरीब तबके के लोग भी एडमिशन ले पाएं, उनके बच्चे भी इंग्लिश सीख पाएं, इसलिए प्रयासरत हैं। रायपुर आप लिए चलेंगे, आकाश शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, बड़ा बयान शिक्षा मंत्री के लिए, ना सिर्फ उन बच्चों के लिए जो स्कूल की तलाश में है, अच्छे स्कूल की तलाश में है, बल्कि वो युवा भी इस खबर से प्रभावित होंगे जो सरकारी नौकरी चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आत्मानंद स्कूल की बड़ी योजना जो है वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने लाई थी, इसके बाद लगातार विपक्ष भाजपा विपक्ष में रहते हुए इस पे मुखर थी कि अनियमितता हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बच्चों को उस तरीके से शिक्षाएं नहीं मिल रही है, सिर्फ जो भवन है वो भवनों का निर्माण भी नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में जब सरकार बदली तो अभी बड़ी घोषणा हुई है कि 25,000 जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम किए जाएंगे, इसके साथ ही जो एक साल में 33,000 शिक्षकों के पदों को भरने को लेकर कहा गया है, वाकई ये बड़ी घोषणा है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि जो कलेक्टर के अंतर्गत जो स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित होने थे वो स्कूल है, वो अब स्कूल शिक्षा के साथ होगा। इस तरीके से बहुत बड़ी घोषणाएं जो है वो स्कूल शिक्षा मंत्री ने की है। इसे निश्चित तौर पर जो है स्कूल शिक्षा में जो है वो बड़ा एक बदलाव लाएगा और शासन इस दिशा में बेहतर काम करने की भी बात कही है। जी, आत्मानंद स्कूलों को लेकर कुछ स्पष्ट हुआ है क्या आकाश? जी देखिए, आत्मानंद स्कूल का जिस तरीके से लगातार मुद्दा उछलता रहा, उन्होंने साफ कहा है कि आत्मानंद स्कूल तो बनाया गया लेकिन अगर शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक बेहतर नहीं मिले, बच्चों को उस स्तर पर सुविधाएं नहीं मिल रही थी, ऐसे में देखा जा रहा था कि स्कूल में कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन वो स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता शिक्षा को बरकरार रखने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। और इसमें ये भी आकाश की बहुत जल्दी जल्दी इस तरह के मैटर्स को समझा जा रहा है, सुलझाया जा रहा है, किसी प्रकार की लेट लतीफी नहीं करी है सरकार। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए आकाश। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप देख रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से सीधे स्पष्ट किया गया है बिना किसी देरी के इस नए आयोजन का क्रियान्वयन आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के स्तर पर। और अब एक नया मुद्दा जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है। रायपुर में कंटेनर से गायों की तस्करी हो रही है, 13 मवेशियों की मौत का मामला विधानसभा में भी गूंजा और इसे लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है, हंगामा किया है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विधानसभा में गाय तस्करी को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। विधायक राम कुमार अग्रवाल ने इस मामले को उठाया, उन्होंने कहा कि 100 गायों को कंटेनर से ले जाते हुए राजधानी रायपुर की सड़कों से देखा जा सका है, 13 गौ माता की हत्या कर दी गई। अब तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये राजधानी में पहली घटना है। वहीं उमेश पटेल ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार में गौठान की व्यवस्था बनाई थी तो सवाल उठाया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार के पास अब कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहीं विपक्ष की शोर शराबा करने पर विधानसभा अध्यक्ष ने हिदायत दी और शांत रहने को कहा। हौसला बुलंद हो गई है और उनको सरकार का संरक्षण है। गौ तस्कर की हौसले इतने बुलंद हैं कि राजधानी की सड़कों से गौ तस्कर करते गुजर रहे हैं, 100 गौ माता कंटेनर के अंदर और 13 की हत्या कर दिया गया है, जिसमें सरकार उसकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्यजनक है, जब हमारे कार्यकाल में एक भी गाय की मौत होती थी तो पूरा विपक्षी दल
विधानसभा को सर पे उठा लेता था। आज सुना है आमानाका थाने में एक कंटेनर में 100 से भी अधिक गायों को पकड़ा गया है और उसमें से 13 गायों की मृत्यु हो चुकी है और अभी तक न गृह मंत्री उसमें कुछ बयान दे रहे हैं न उनके अन्य मंत्रीगण बयान दे रहे हैं। रायपुर में गौ तस्करी का मामला सामने आया। कंटेनर में करीब 100 गायों की तस्करी की जा रही थी। मंगलवार देर रात कंटेनर का पीछा कर नाके के पास इसे गौ रक्षकों ने पकड़ा। इसके बाद जमकर बवाल मचा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बघेल सरकार द्वारा खोले गए राजीव मितान क्लब भी बंद होने के कगार पर। बीजेपी की सरकार ने विधानसभा में इसे भंग करने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। इसे लेकर क्या कुछ कहना है पक्ष और विपक्ष का, आइए आपको सुनाते हैं। विधानसभा में राजीव युवा मितान क्लब में अनियमितता का मामला उठा, जिस पर राजस्व मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राजीव मितान क्लब बंद होंगे, इसमें बजट का गलत इस्तेमाल हुआ है, ऑडिट कराएंगे और जांच में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि राजीव मितान क्लब के लिए 132 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन 60 करोड़ खर्च हुए और 40 करोड़ शेष हैं। राजीव युवा मितान क्लब का गठन रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी से प्रदेश स्तर पर एक संगठन बनाया था, जिसका अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री जी थे और खेल मंत्री उपाध्यक्ष था, और इसमें जितने भी खर्च हुए हैं, जितने काम हुए हैं, इसमें ऑडिट का प्रावधान है, इनका ऑडिट कराया जाएगा। और पहले भी इनकी शिकायत मिलती थी, जैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वैसे ही इस क्लब पर रोक लगा दिए गए हैं और इस आने वाले समय में इस राजीव युवा मितान क्लब को भंग किया जाएगा। इधर बीजेपी सरकार के राजीव मितान क्लब के बंद करने के ऐलान पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योजना बंद किए जाने की घोषणा करना दुर्भाग्यपूर्ण है, साथ ही कहा कि योजना में भ्रष्टाचार की बात बेबुनियाद है। राजीव युवा मितान ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो नौजवान साथी थे, नवयुवक साथी थे, उनको किस तरह से राष्ट्रीय कार्यों में जोड़ना है और शासन के कार्यों को किस तरह से गाँव में पहुंचाना है और हमारे सांस्कृतिक, हमारे साहित्यिक कामों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें ट्रेन करने की एक व्यवस्था राजीव युवा मितान के द्वारा की जा रही है। माननीय मंत्री द्वारा इस घोषणा को बंद किए जाने की खबर निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्वक है, मैं इसकी निंदा करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, सियासत कायल बदला है। अब नई सरकार कांग्रेस सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जांच कर रही है और अब बघेल सरकार की एक और योजना को बंद करने का ऐलान किया गया है। आकाश शुक्ला, रायपुर, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और वहीं दूसरी तरफ राहुल की न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गई है, इसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने होती है। बीजेपी दूसरी तरफ न्याय यात्रा को फ्लॉप बता रही है। रिपोर्ट में देखिए, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो गई। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो गई है। राहुल गांधी न्याय यात्रा को लेकर बलरामपुर नहीं जाएंगे, साथ ही उन्होंने यात्रा को सफल बताते हुए छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें जीतने का दावा भी किया। भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा रहा। कार्यकर्ताओं में उत्साह और जबरदस्त जोश भी रहा और जनता में जबरदस्त राहुल गांधी जी को समर्थन भी दिए। इधर न्याय यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा, कहा कि न्याय यात्रा में भीड़ नहीं होने के चलते बौखलाहट दिखाई दी है। वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा जो न्याय यात्रा लेकर जो चल रहे हैं, उस न्याय यात्रा में उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है, क्योंकि सामान्य रूप से यात्रा में जो भीड़ उपस्थित होनी चाहिए, जो दिखनी चाहिए, जो सज्जन समर्थन मिलना चाहिए, वो जन समर्थन का अभाव। अंबिकापुर में न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। बीच में न्याय यात्रा को छोड़कर विशेष विमान से दिल्ली चले गए। इधर राहुल की न्याय यात्रा पर बीजेपी हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए अब आपको सुनाएंगे कि शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भ्रष्टाचार किया है, वैसा भी बिल्कुल नहीं होगा, उसको भी हम रोकेंगे। इसी से जुड़ी एक और चीज है,
दरवाजे पर बोला था कि जो हिंदी के शिक्षक हैं उनको अंग्रेजी पढ़ाने भेज दिया जा रहा था, जब पूछा जा रहा था तो बोले जबरदस्ती ड्यूटी लगा दी गई है। इस तरह की स्थिति तो नहीं होगी। जब हम कमांड सेंटर बनाने वाले हैं उस कमांड सेंटर में एक एक शिक्षक के बारे में विस्तृत जानकारी होगी कि कौन अंग्रेजी में पढ़ा सकता है, किसने अंग्रेजी में शिक्षा ली है, किनको अंग्रेजी स्कूलों में भेजना चाहिए, किनको हिंदी स्कूलों में भेजना चाहिए। जो उन्होंने अनार्की कर दी थी कि हिंदी स्कूलों को बंद कर दिया, हिंदी स्कूलों का नाम बदल दिया, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम जो सही चीज होगी, जो नियमों के अनुसार होगी, वही हम करेंगे। सर, धर्मांतरण को लेकर कानून आप बनाने वाले, विधेयक बनाने वाले, क्या सरकार के पास उसका डाटा है या कुछ जुटाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कितने धर्म परिवर्तन हुए, क्योंकि मुद्दा विधानसभा के समय से लगातार होता है और बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन की बात कही। आज ही एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि पिछले 5 सालों में 34 शिकायतें हुई हैं। ये तो सिर्फ शिकायतें हैं, अगर हम देखेंगे तो पूरे छत्तीसगढ़ में 3400 से ज्यादा ऐसे प्रकरण हुए हैं। आप बस्तर में तो देखते हैं कि आए दिन वहां पर आदिवासी समाज धर्मांतरण के विरोध में आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, वहां पर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है। और इस वर्ग संघर्ष की स्थिति को रोकने के लिए और समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए हम ये धर्म स्वतंत्र विधेयक ला रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी राजधानी रायपुर की। राजसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार राजा देवेंद्र प्रताप सिंह ने नामांकन भर दिया है। विधानसभा में नामांकन के दौरान 30 से ज्यादा प्रस्तावक मौजूद रहे हैं। आपको बताएं कि 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव होने और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी एक सीट पर चुनाव होने और इसी के चलते प्रत्याशियों का तांता आज लगा रहा। बताया गया है कि 30 के करीब उम्मीदवार थे। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में कानून बनाया जाएगा। कांग्रेस सरकार इसकी मांग करती आ रही थी कि अगर निशाना साध रहे हैं तो कानून बनाए। और इसी के तहत मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने सदन से हाल ही में ये बड़ी घोषणा करी है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक लेकर आएंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने धर्मांतरण का मुद्दा खूब उठाया और ये कहा था कि जब जब इसकी बात होगी, जब हमारी सरकार आएगी तो उस पर कड़ा एक्शन तो होगा ही, कानून बनाने को लेकर भी बात होगी। कानून को लेकर अब लगातार मांग उठ रही थी। इसके बाद शासन की तरफ से घोषणा, कहा जा रहा है कि इसी विधानसभा के दौरान धर्मांतरण को लेकर जो विधेयक है वो पेश होगा। हो सकता है कि जैसे जैसे ये विधानसभा खत्म होने को आए ये सेशन, वैसे ही आप इस कानून को लेकर क्रियान्वयन सरकार की तरफ से देखें शासन स्तर पर। लेकिन फिलहाल अब तक ये बड़ी जानकारी, चूंकि धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा जिसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उठाया और दूसरी तरफ जैसे बीजेपी सत्ता में काबिज हुई, कांग्रेस कह रही थी कि आपने वादा किया था अब धर्मांतरण को लेकर कानून बनाइए, तो विधेयक पेश करने को लेकर जानकारी दे दी है बृजमोहन अग्रवाल ने। कहा है कि इसी सत्र के दौरान विधेयक लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो नाम होगा धर्म स्वतंत्र विधेयक। इसे लेकर सीधे तौर पर कहा गया है कि कड़ा कानून होगा धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से सीधे घोषणा। एक और बड़ा मुद्दा जो चर्चा का विषय अब आगामी समय में बनने वाला है, क्योंकि ये मुद्दा अपने बीते विधानसभा चुनाव और बीते कांग्रेस सरकार के समय में सबसे ज्यादा गर्माते हुए देखा है। अक्सर भारतीय जनता पार्टी को आपने इस पर सवाल खड़े करते देखा है, लेकिन जो वादा था कि धर्मांतरण के खिलाफ काम करेंगे तो वो धरातल पर उकेरने का प्रयास, ये पहली श्रृंखला जो शुरू हुई है। और दुर्ग से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, जहां एक तरफ हम धर्मांतरण की